राहुल के चाय नाश्ता सियासत का नया रास्ता तैयार हो रहा है। आज राहुल गांधी ने विपक्ष को सियासी मंथन के लिए नाश्ते पर बुलाया। नाश्ते के बाद विपक्ष के नेता साइकिल से संसद मार्च कर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का विरोध उन्होंने किया। इससे पहले आपको बता दें, राहुल गांधी ने ट्रैक्टर से संसद जाकर सभी को हैरान कर दिया था। राहुल ने कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों का समर्थन किया था। तो तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें आज सुबह सुबह की दिखा रहे हैं, जब राहुल गांधी ने तमाम विपक्षी दलों को बुलाया था चाय नाश्ते पर। यहां पर तमाम विपक्षी दल के नेता पहुंचे और आगे की रणनीति क्या होगी उसको लेकर मंथन हुआ। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस चाय नाश्ते के बाद सभी नेता साइकिल से निकले संसद की ओर, उसके बाद साइकिल से संसद पहुंचे हैं। और तीसरी तस्वीर उस ट्रैक्टर यात्रा की जो कि अचानक से हुई थी और सबको हैरान कर दिया था। तो आज तक संवाददाता मौसमी सिंह भी विपक्ष के नेताओं के साथ साइकिल सवारी कर रही थी। देखिए साइकिल पर संसद मार्च की ये खास रिपोर्ट। चल रहे हैं, ये राजपथ है, सचिन राजपथ दिखाइए, और आगे राहुल का काफिला है। हम आपको कोशिश करेंगे वो पूरा रूट मैप शुरू से अंत तक फॉलो करें, जिस पर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता निकल पड़े हैं। जाहिर तौर पे ये वो वक्त है जब कांग्रेस अपना झंडा बुलंद करने की कोशिश में है। मनोज जी, सर, आपकी साइकिल की स्पीड को देख के हमको साइकिल पकड़नी पड़ी, पर ये तो हमने कवरेज के लिए पकड़ा है। क्या जनता भी इस तरह से आपकी काफिले में जुड़ेगी? देखिए, जनता का ही संदेश है कि आज आप ये साइकिल यात्रा देख रही हैं। एक अहंकारी सरकार जिसने अपने गुरूर में पूरे देश का तहस नहस कर दिया, उस सरकार के खिलाफ जनता के बिगुल का संदेश। अच्छा, और ये जो आपने लिखा है सामने, तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, क्या ये जनता के मसले हैं? एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मनोज झा स्पीड लेते हुए हम लोग आगे चलते हैं जरा और देखते हैं। आप देखिए यह लटियंस दिल्ली वीवीआईपी इलाके। अब हम लोग एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स पे, एयर हेडक्वार्टर्स के उस चौराहे से निकल रहे हैं जहाँ से राहुल गांधी पिछले हफ्ते भी ट्रैक्टर यात्रा के जरिए निकले थे। जरा दिखाइए सचिन, चारों तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का शोर है, नारों का जोर है, और नजर आ गए हमको अधीर रंजन चौधरी। अधीर दादा, अधीर दादा, अधीर दादा, ये पूरा विपक्ष है सिर्फ कांग्रेस? हाँ, पूरा विपक्ष है। तो आज राहुल गांधी फ्रंट पे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान है। अरे क्यों नहीं, देखिए आज कितने सारे ऑपोजिशन सारे लीडर इकट्ठा हो गए हैं राहुल जी की सुबह की ब्रेकफास्ट की दावत पर। और सारे कुल मिला के जितने सारे विपक्षी दल होते सब आज ये सौगंध खाते हुए ये कहा कि अगले दिन मोदी सरकार के खिलाफ हमारा जंग तेज होगी, हमारा संघर्ष तेज होगी, और हिंदुस्तान की जो बुनियादी सत्ता है, हमारा जो संविधान है, ये संविधान को बचाने के लिए। दादा ये बताइए, ममता बनर्जी हो, अरे ममता दीदी होंगी लीडर की या राहुल गांधी होंगे विपक्ष के? देखिए आज लीडर बनर्जी कह रहे ममता दीदी है लीडर। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा। हाँ। हम सब मिल के लड़ेंगे, यही कहा आज, मिल के लड़ेंगे। भाई ब्रेकफास्ट पे बुलाया था राहुल जी ने, सभी ऑपोजिशन पार्टीज वहाँ पर उपस्थित थे, बातचीत हुई। एक संसद में जो गतिरोध है इसके बारे में सबका कहना है कि भाई जो सरकार के सामने मुद्दे रखे हैं उनकी सरकार ने पुष्टि करना चाहिए, कोई उस पर चर्चा के लिए तैयारी दिखानी चाहिए। संसद चलाने के लिए सबकी तैयारी है, लेकिन संसद में जो मुद्दे रखे गए हैं उस पर चर्चा जिस तरह से होनी चाहिए उस पर कोई सरकार के तरफ से कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है, कोई उनकी तैयारी दिख नहीं रही है। इसलिए सभी लोगों ने कहा कि भाई जो चल रहा है अपनी बात अगर अंदर नहीं सुनाई देती है तो बाहर पर ये बात करके लोगों के सामने अपने मुद्दे रखने चाहिए। क्या एक बदला अंदाज राहुल गांधी का नजर आ रहा है प्रफुल्ल जी, सबको साथ लेके चलने का? शरद पवार साहब भी कहते आए हैं कि विपक्ष को एकजुट करने का वक्त है। देखिए अभी आज की तो मीटिंग में सभी लोग थे, इसमें कोई किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है। सभी लोगों ने अपने विचार यही रखे कि एक साथ रहकर हम लोगों ने अपनी बातों को रखने की, अगर संसद में भीतर नहीं हो पाती है तो बाहर रखने की कोशिश करना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। पीछे भागते रहिए आप पीछे जाते रहिए। हाँ,
बाकी दल क्यों नहीं आए? सारे दल साइकिल चला लेके आ रहे हैं। सारे दल के लीडर पीछे साइकिल में, आप लोग कवर कीजिए। सारे पार्टी आज अटेंड किए, सारे विभिन्न विपक्षी दल एक साथ आए। हम सभी ने उस समय ये निर्णय लिया कि सदन तो ये सरकार बंद करके रख रही है, मंदिर की जो ये चाबी मोदी जी अपने पास रखी है, मंदिर उन्होंने बंद करके रखा है। तो विपक्षी दल यही चाहता है कि लोगों की जो आक्रोश है वो हम सड़क तक लेके जाएंगे। राहुल गांधी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ऑल द अपोजिशन इज यूनाइटेड नाउ। यहाँ पे राहुल कुछ बोलते हुए नहीं, जाहिर तौर पे तमाम टीम को साथ लेने के लिए राहुल गांधी ने अपनी साइकिल पर ब्रेक लगाया और ये साइकिल अब चल पड़ी है विजय चौक की तरफ।